बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूं। मैं हवा का रुख बड़े आसानी से समझ पाता हूं। और मैंने पहली सभा में कहा था कि मैं आज आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो कईयों को आश्चर्य हुआ था कि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात बोल गए। और मैंने कहा था कि मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं कि 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी उसके शपथ समारोह का निमंत्रण देने के लिए आया हूं। 3 दिसंबर के बाद, चुनाव नतीजे आने के बाद, जब भाजपा सरकार के शपथ समारोह होंगे, आप सबको मैं निमंत्रण देने आया हूं। एक कांग्रेस की नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मोदी की जाति से भी नफरत करने लगी है। बीते अनेक महीनों से कांग्रेस मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को गाली दे रही है। गाली तो गाली, डंके की चोट पर कांग्रेस ओबीसी समाज के जो गालियां दी है उसके लिए अदालत के कहने के बाद भी माफी मांगने से इनकार कर रही है। ओबीसी समाज के प्रति कितनी नफरत है इसका ये उदाहरण है। ये कांग्रेस है जिसने इतने साल देशभर में सरकार चलाई, 5-5 दशक तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था। 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं पत्रकारों से पूछता हूं, जरा कांग्रेस वालों को पूछो तो, 50 साल पहले नारा दिया था, वो नारा पूरा नहीं कर पाए, नए वादे करके कहां थे, लोगों को मूर्ख बनाते हो, पूछो जरा उनको। बरसों तक कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सत्ता में रही, गरीबी हटाओ नारे के दशकों बाद भी देश के दलित, ओबीसी और आदिवासी गरीब रहे, इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। ओबीसी वर्ग की आबादी कम से कम 50% है। अब जैसे ही मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा पार्लियामेंट में कि भैया एक काम कीजिए, ये जाति जनगणना कर लीजिए, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब पता लग जाएगा देश में कितने पिछड़े लोग हैं, कितने जनरल हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने दलित हैं। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भैया भाषण में कहते हैं, हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब है। और जनगणना की बात, जाति जनगणना की बात नरेंद्र मोदी जी के मुंह से नहीं निकलती। तो मैं आपको यहां गारंटी देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल लेवल का जाति जनगणना हम करके दे देंगे। और मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी, जाति जनगणना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे। सबको मालूम होना चाहिए कि उनकी आबादी कितनी है और बजट पर, सरकार पर उनका कितना हक बनता है, उनकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए। और यह काम हम गारंटी करके पूरा कर देंगे।